चलिए, घर तो अब हमारे सामने है। मिसलिनियस का एक और इम्पोर्टेंट सवाल, मैं इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। तो इस सवाल में क्या है कि दे रखा है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। सबसे पहली बात तो ये जो सवाल है ना, ये शो दैट का क्वेश्चन है, और इसको आप क्योंकि कई लोग इसको एग्जाम्पल दे के करवाते हैं, तो ये जो प्रूव करने के सवाल होते हैं इनमें आप कोई एग्जाम्पल दे के नहीं कर सकते। इसके लिए तो वही चीज़ें चलानी पड़ेगी कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, उस तरीके से। आप एग्जाम्पल देकर अगर इन सवालों को करेंगे तो वो एग्जाम में गलत माने जाएंगे, उस तरीके से आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि जो प्रूव करने के सवाल हैं वो किस तरह से किए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 30 देखो। इसमें लिखा है कि शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो इसके लिए इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, बस वही बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू करते हुए इसको प्रूव कर दिया। तो ऐसे ही हमारा जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे। अगर आप कोई एग्जाम्पल देकर इसको करना चाहते हैं तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, इसमें वही सब चीज़ें करेंगे बिलोंग्स टू वाली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, पूरे फोकस के साथ, क्योंकि इसमें जो चीज़ें करवाई जाएंगी वो आपके लिए ज़्यादातर नई होंगी। ठीक है, तो जब हमें बी को सी के इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, इस तरह से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। अब दूसरा स्टेप कोशिश करिएगा समझने की। अगर एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट, ये साइन होता है इम्प्लाइज दैट का। अगर एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। बताइए, ये बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक सेट बी है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट 2 है। ठीक है, और एक ए है जिसके अंदर 1, 2, 3 ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ए यूनियन बी देख लो क्या आएगा। ए यूनियन बी का मतलब है ए के और बी के सारे एलिमेंट, तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि बी का एक एलिमेंट ले लेते हैं 1। ठीक है, तो 1 जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। क्या 1 ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल कर रहा है, ये देखो। ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा कि अगर एक्स बी से बिलोंग करता है तो एक्स जो है वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। दूसरा एलिमेंट ले लो 2, 2 बिलोंग करता है बी से। ठीक है, तो क्या 2 ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से सही है। अगर एलिमेंट एक्स बी से बिलोंग करता है तो वो उनके यूनियन से भी बिलोंग करेगा। अगर एलिमेंट एक्स सी से बिलोंग करता है तो एलिमेंट एक्स ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये बात समझ लेनी चाहिए आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी की जगह क्या हम ए यूनियन सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके लिए साइड में यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये गिवन है। ठीक है, ये रफ काम को थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब ये जो आई है चीज हमारे सामने, इससे देखो हमें क्या पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स या तो ए से बिलोंग कर रहा होगा या फिर एक्स सी से बिलोंग कर रहा होगा। इसको भी वहां पे समझा देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते। अगर एक्स ए यूनियन सी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब या तो एक्स सेट ए में से आ रहा होगा या फिर एक्स सेट सी में से आ रहा होगा। ठीक है, तो दिखा देता हूँ इसको भी। तो इसको हम ये जो साइड में मैंने एग्जांपल लिखा है ना, इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, सेट ए के एलिमेंट हैं ए कोमा बी और सेट सी के एलिमेंट हैं बी डी और सी। ठीक है, और ए यूनियन सी में क्या आएंगे? दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमने यहाँ से एक सेट ए ले लिया है, सेट ए। देखो सेट ए ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ए यूनियन सी से बिलोंग। तो क्या एलिमेंट ए सेट ए से भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन सी से बिलोंग करता है तो या तो वो ए से बिलोंग कर सकता है या फिर वो सी से बिलोंग कर सकता है या फिर वो दोनों से भी बिलोंग कर सकता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि अगर एक्स ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है तो या तो वो ए से बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो सी से बिलोंग कर रहा होगा और या फिर वो दोनों से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि वो दोनों से ही बिलोंग करे, लेकिन ये हमेशा जरूरी होता है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है,
अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी भी है, ठीक है, एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। अब एक्स दोनों से बिलोंग अगर कर रहा है तो क्या वो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा? एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिल्कुल करेगा। देखो भाई, एक एलिमेंट एक्स है जो ए से भी बिलोंग कर रहा है और वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। ए से बिलोंग करता है ये हमने यहाँ पे दिखाया, और बी से बिलोंग करता है वो ऊपर हमने लेट कर रखा था। तो एक एलिमेंट एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो वो उनके इंटरसेक्शन से भी 100% बिलोंग करेगा। उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पर ये एलिमेंट टू है, ए से भी बिलोंग कर रहा है और एलिमेंट टू बी से भी बिलोंग करता है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा निकल कर? दोनों का कॉमन आएगा, तो दोनों का कॉमन क्या है? 1, 2। तो क्या एलिमेंट टू ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो वो उनके इंटरसेक्शन से भी 100% बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर x A इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C, और ये चीज़ ये जो मैंने लिखी है ये इसके जैसी बिल्कुल नहीं है। इसके जैसी देखो, यहाँ पे यूनियन था तो हमने और लगाया था, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हमने क्या लगाया? एंड लगाया। दोनों का मतलब एक बार फिर से समझते हैं। अगर x बिलोंग करता है A यूनियन B से, तो या तो वो A से बिलोंग करेगा या फिर वो C से बिलोंग करता है करेगा। लेकिन अगर वो ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है तो उसको दोनों से बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन पार्ट आता है। तो अगर एक्स दोनों के कॉमन पार्ट से बिलोंग करता है तो वो दोनों से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या है कि इस वाले को छोड़ते हुए इसको इस पे फोकस करते हैं, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू सी। अब एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि B इज द सबसेट ऑफ C। B जो है वो C का क्या बन चुका है? सबसेट बन चुका है। और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। देखो भाई, एक एलिमेंट X है जो B से भी बिलोंग कर रहा है और C से भी बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा तभी तो हो सकता है कि जब B C का क्या होगा? सबसेट होगा। इसको इसको समझने के लिए ना आप यहाँ पे देखिए, एलिमेंट टू है, B से भी बिलोंग कर रहा है और एलिमेंट टू A से भी बिलोंग कर रहा है, तो B जो है वो A का सबसेट है कि नहीं है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। इस पे फोकस कर लो, एलिमेंट एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो ए का क्या बनेगा? सबसेट बनेगा। इसी तरह से हमारे में था, एलिमेंट एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो सी का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा, ठीक है। अभी इसका एक और पार्ट है, ये जो चीज़ें हमने की हैं वहाँ पर दोबारा से रिपीट होंगी, तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को दोबारा से समझेंगे। तो अपने सवाल को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारा जो अगला स्टेप है उसमें हम लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू सी। इसकी वजह देखिए क्या है, हमें अपने क्वेश्चन में बी को सी के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले पार्ट में हमने किया था एक्स बिलोंग्स टू बी, और अब हम दूसरे पार्ट में क्या लिख रहे हैं? एक्स बिलोंग्स टू सी। इसके बाद दूसरा स्टेप था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यहाँ पे दूसरा स्टेप देखिए क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। यहाँ पे C लिया था तो A यूनियन C आ गया था, और यहाँ पर हमने B लिया है तो A यूनियन B आया था, ठीक है। फिर हमने A यूनियन B को बदल के A यूनियन C लिख दिया था। यहाँ पे A यूनियन C को बदल कर क्या लिखा जाएगा? A यूनियन B लिखा जाएगा। तो implies that X belongs to A यूनियन B, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे because, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक तरह से हम पिछला पार्ट ही पूरा रिपीट कर रहे हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद इसका अगला स्टेप होगा x belongs to A और x belongs to B। अगर x belong करता है A union B से, तो इसका मतलब या तो वो A से belong कर रहा होगा या फिर वो B से belong कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस वाले पार्ट पर फोकस करेंगे। पिछली बार भी देखो हमने ऐसा ही किया था, देखो यहाँ पर इस पे फोकस किया था, लिख दिया था नाउ x belongs to A also x belongs to B। ऊपर से यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, Now x belongs to A also ऊपर वाला लेंगे x belongs to C, इस तरह से लिखा जाएगा।
अब अगर एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, सी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट से बिलोंग करता है, तो वो उनके इंटरसेक्शन से 100% बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था काफी देर तक। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिर से चेंज करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी की जगह देखो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद हम लिखेंगे देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो अगर यूनियन होता है तो और लगाया जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, लेकिन जब इंटरसेक्शन होता है तो एंड लगाया जाता है। अगर कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन अगर कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो वो उन दोनों में से किसी एक से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके बाद इस पर फोकस करिए और उस पर फोकस करिए, वो जो ऊपर लिखा, शुरुआत हमने की थी एक्स बिलोंग्स टू सी से और एंड कहाँ पर किया, एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है, सी सबसेट है किसका, बी का। सी इज द सबसेट ऑफ बी। पिछले वाले को देखो जरा, शुरुआत की थी एक्स बिलोंग्स टू बी से और एंड कहाँ पे किया, एंड देखो कहाँ पे किया, एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इसका मतलब बी जो है वो सी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, और यहाँ पर सी जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि शुरुआत में एक्स सी का एलिमेंट था, अब जो एक्स है वो बी का एलिमेंट भी बन चुका है। तो इसका मतलब सी इज द सबसेट ऑफ बी। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है, ये देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है। पहली में तो पता चला था कि बी इज द सबसेट ऑफ सी, और दूसरी में पता चला सी इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो सेट एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। इसे भी आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए। मान लो कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट ए बी हैं, और दूसरा सेट बी है उसके एलिमेंट भी ए बी हैं। तो ये इसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल भी हैं। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं जब दोनों आपस में क्या हों, इक्वल हों। तो इस सवाल में वैसे तो क्या होता है कि जो चीज़ आप एक बार करते हैं उसी को आपको दोबारा से क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, और ये सवाल इसी तरीके से प्रूव किया जाता है। बहुत से लोग इसको आसान बनाने के लिए इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल डाल देते हैं। तो जितने भी प्रूव करने के सवाल हैं उनको आप एग्जाम्पल डाल के बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसा ही हमने ट्रू फॉल्स में भी देखा था, उसमें बोला था कि फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो, ट्रू है तो प्रूव करो। ऐसे यहाँ पे अगर हमें प्रूव करना है तो ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा बिलोंग्स टू लगाकर, क्योंकि हमारी बुक एनसीईआरटी में भी यही मेथड दिया गया है। इसके अलावा आप कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं तो उसको गलत माना जाएगा। उम्मीद है कि आप सवाल समझ गए होंगे। अच्छे से समझने के लिए बार बार रिपीट कर करके उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर ही, और अगले जो लेक्चर होगा उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चीज़ों से डरिए मत बिल्कुल भी, उनको देखकर उनके पीछे हाथ धोकर पढ़ जाइए ताकि वो आपको समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हिम्मत हार दी तो पूरी बुक पढ़ी हुई है अभी समझने के लिए, फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।